पंजाब में डॉक्टरों के बाद मेडिकल स्टोर वाले भी हड़ताल पर चले गए, दवाखाने बंद, मरीज रुल गए। ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ मालिकान ने मेडिकल स्टोर बंद कर दिए, मेडिकल मार्केटें सुनसान पड़ी रहीं। जी जिस तरह आज 30 तारीख को केमिस्ट एसोसिएशन ने एक ऐलान किया था कि वो अपनी दुकानें पूरी तरह मुकम्मल तरीके से बंद रखेंगे, उनकी मांग थी जिस तरह ऑनलाइन के जरिए जो दवाइयां मंगाई जा रही हैं उसी में कई प्रकार का जो नशा है वो इजी अवेलेबल हो रहा है और जिसके कारण ये दुकानदार जो हैं वो बदनाम होते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, जी बताएँ जी क्या कहना चाहेंगे सर। ऑनलाइन जो नशा बिक रहा है ज़्यादा इस टाइम, तो सारा इल्ज़ाम हमारा केमिस्ट भेज रहा है और उसकी आड़ में चार चार पाँच पाँच अधिकारी और उनके साथ पुलिस वाले शॉप पे पहुंच जाते हैं और पूरी सर्च कर लेते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। पीछे तकरीबन 1900 कुछ दुकानें चेक हुई हैं जिसमें सिर्फ चार पे कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं, तो जो बाकी थे उनकी तो बदनामी कर दी। आसपास दुकानदार यही सोचता है भी, जो आसपास बैठा है वो ये सोचता है भी इसको जो छोड़ दिया उन्होंने, पैसे लेके छोड़ दिया भी, ये काम करता होगा, अगर पुलिस इन तक आई है तो काम करता होगा, जबकि सरकार का ध्यान ही नहीं है ऑनलाइन की तरफ। जहाँ से जो टोटल नशा है 70% उधर से आ रहा है जो सिंथेटिक है, तो वो सरकार पता नहीं क्यों उन तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हमें समय से बाहर है। या तो वो उनके बड़े मगरमच्छ हैं, उनको हाथ नहीं लगा सकते इसलिए लगा रहे हैं। और एक डिमांड हमारी है भी पुलिस ना आए हमारी शॉप से, क्योंकि हम एक ईमानदार आदमी हैं। ईमानदार आदमी को आप 1900 अब में से देखो आप कितने ईमानदार निकले हैं, सरकार को अभी तक ये नहीं पता लग रहा भी कितने ईमानदार हैं और कितने चोर हैं। लुधियाना से अभिषेक के साथ धीरज कुमार, टाइम्स।